अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब, मैंने आप लोगों को अभी छोटा सा मिनी ट्रेलर दिखाया था। एक हम सैटरडे को मेरे ससुराल में थी ढोल की, इंशाल्लाह बच्ची की शादी होगी पाकिस्तान में, तो उन्होंने बस छोटा सा गेट टुगेदर रख लिया था सब रिलेटिव्स को बुला के। तो ये सारी डेकोरेशन जो है उनके यानी घर वालों ने खुद ही की थी, सारी बड़ी क्यूट सी थी माशाल्लाह से, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। तो मैंने बस छोटा मोटा सा जो है ना वो एक वीडियो बना ली थी आप लोगों के लिए डेकोरेशन की, और वहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा था ख़वातीन वगैरह की वीडियोस बनाना, कुछ ख़वातीन नहीं जो है ना वो अग्री कर रही थी उनके के फेसेस दिखाए जाएं, तो इसलिए बस मैंने इस तरह से थोड़ी सी बना ली और अपनी बना ली। अगर आप लोग ने मेरा कोई एक पीछे वाला कौन सा व्लॉग था वो, जिसमें मैंने या सऊदीया वाला जो व्लॉग है उमरे वाला, उसके अंदर जो है वो गिफ्ट फ्रॉम कमिंग पाकिस्तान, तो वो वाला जो एक व्लॉग था उसके अंदर ये वाले इयररिंग्स आए थे। अगर आप लोग ने मेरा वो वाला व्लॉग देखा है तो आप ज़रूर पहचान गए होंगे ये वाले इयररिंग्स। तो मैं यही वाले इयररिंग्स जो है ना वो आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने इस इवेंट पे ये वाले इयररिंग्स जो है ना वो पहने थे और माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसे लगे। यहाँ मैं जो है साथ साथ बनाने जा रही थी कड़ी। ये हो गया था मंडे एक्चुअली, तो वो था वीकेंड का, तो मैंने उसको साथ में एडिट कर दिया क्योंकि बहुत मिनी था, 1 मिनट समथिंग का, तो मैंने कहा चलो तो ऐसे ही व्लॉग का स्टार्ट कर देते हैं, उसको भी इस व्लॉग में ऐड कर देते हैं। तो वो जो बच्ची की अभी ढोलकी वगैरह चल रही है ना, तो वो अभी होगी क्योंकि उसके बहन भाइयों ने भी रखी है, तो अभी आगे के महीनों में जाकर जो है ना वो लोग ख़ुद भी किसी बहन के घर में, एक है तीन ढोल की, फिर दूसरे बहन के घर में ढोल की है, तो इस तरह से उन्होंने शुगल मेला लगाया हुआ है माशाल्लाह से यहाँ पर। और जनवरी में है उनकी शादी, तो वो लोग सब जाएंगे पाकिस्तान। तो जनाब, बन रही है कड़ी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और कड़ी इट्स नॉट अ जोक टू बनाना, सीरियसली इट्स अ टाइम टेकन एक्चुअली। वैसे बहुत इजी होती है लेकिन टाइम बहुत लेती है चीज़ ये वाली बनाने के लिए, और किचन बहुत फैल जाता है, लेकिन क्या करूँ। आज जो है ना बस मूड हो रहा था कि चलो अच्छा थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम है, वैसे तो गर्मियों की डिश बोलते हैं लोग इसे, लेकिन आज मेरा बहुत मूड हो रहा था कि कड़ी बनाती हूँ, तो मैंने थोड़ी सी बना लेती हूँ। छोटू सो रहा था तो बस इसी मौके से फ़ायदा उठाया है कि जो है कड़ी का थोड़ा सा कर लिया जाए, और अच्छी चीज़ इसकी ये होती है कि ये नेक्स्ट डे भी खा ली जाती है और नेक्स्ट डे ज़्यादा अच्छी लगती है। कौन कौन अग्री करता है मेरी इस बात से कि कड़ी जो है वो नेक्स्ट डे ज़्यादा अच्छी लगती है। और बताएं जनाब, क्या क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, क्या अच्छा क्या नया। तो जनाब, यहाँ उठ गया है मेरा छोटा, और मैंने चावलों का सिर्फ रखा था पानी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है ना वो पकौड़े तो डन हो गए थे, तो बस वो मैंने उसका चूल्हा बंद किया है और ये उठ गया। तो अब हम यहाँ पर कर रहे हैं प्ले, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये नाउ योर टर्न, शेक शेक, योर टर्न, शेक शेक। ही लाइक्स ब्लू, ही डजंट लाइक ऑरेंज। ऑरेंज को वो हमेशा साइड पे उठा के फेंक देता है, उसको ब्लू चाहिए होता है ऑलवेज। बच्चे जो है ना किसी भी एक्टिविटी से बस 10 मिनट में बोर हो जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हें कुछ नई एक्टिविटी चाहिए होती है कि जो है ना अब मुझसे कुछ और खेलो। तो अब जब तक ये जागे में हैं, ये बस मैं इनकी और ये मेरे, ये वाली कहानी है। तो इनसे मिलिए आप, ये है जेनी, इनका नाम है जेनी, ये मेरी बड़ी बेटी का फेवरेट टॉय है, जिसको ये छोटू जो है ना हर वक्त मुंह में लेने के लिए तैयार रहते हैं, और वो बहुत अपसेट होती हैं इस बात से कि ये मुंह में क्यों लेते हैं ऐसी चीजें। तो ये देखिए जनाब, माशाल्लाह से बर्तनों की बरकत, कितने माशाल्लाह बरकत हुई भी है। मेरी अम्मी जब मुझे देखती है ना ऐसे, मुझे तो नहीं देखती जैसे अब मेरा चैनल देखती है YouTube, तो उसके ऊपर जो है ना जब वो मुझे इस तरह के खाने पकाती हुई देखती है ना,
तो वो बड़ा हैरान होती हैं, क्योंकि मैंने शादी से पहले कभी सिवाय एक चाय बनाने के और आटा गूंदने के कोई काम नहीं किया। तो अब जब मुझे इतने हलीम, निहारी, बिरयानी, ये कढ़ी, ऐसी चीज़ें पकाते हुए देखती हैं तो जो है ना बड़ा हैरान होती हैं, कहती हैं कैसे पका लेती हो तुम सब चीज़ें। तो अब मैं उनके पास जब इस यूट्यूब चैनल से पहले जब मैं उनके पास जाती थी ना घर पाकिस्तान में या उनके घर पे, तो मैं बोलती थी लाए मम्मी आज मैं पकाती हूँ, तो वो मुझे भगा दिया करती थी, कहती थी हट जाओ यहाँ से, तुम मेरा किचन ख़राब करोगी, पता नहीं क्या पकाओगी, कैसे पकाओगी, तुम्हारा मैं यहीं खा लेता है भाई, कैसे खा लेता है। तो वो ना वो होती थी, लेकिन अब वो जब यूट्यूब चैनल देखती है ना तो सबको दिखाती हैं, फैमिली में रिश्तेदारों को और लोगों को भी रिलेटिव्स को दिखाती हैं कि देखो ज़रा कितने बड़े बड़े पतीले पका रही है, कैसे खाने पका रही है, यहाँ तो कुछ भी काम नहीं करती थी। तो एक जो है ना बड़ा वो भी होता है, हालांकि ये चीज़ें जो है ना माँ की हाथ की ही अच्छी लगती हैं, स्पेशली कढ़ी हो गई और आलू गोश्त का सालन हो गया और क्या बोल सकते हैं, वैसे माँ के हाथ का तो हर खाना अच्छा होता है, लेकिन जो है ना ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप कितना भी अच्छा पका लो नहीं आपका जो है ना नहीं आपका वो टेस्ट आता है जो आपकी अम्मी के हाथ में आता है। तो बस अभी हो गई है गड़बड़, मेरे हस्बैंड की कॉल आई है, उन्होंने मुझे कहा कि जो है मैं अपनी बेटी के फ्रेंड के डैड को कॉल करके उनको बोलूं कि वो उसको स्कूल से पिक कर लें, क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गए, लेट सेंस में हो गए, थोड़ा ट्रैफिक वगैरह में भी हो गए और बीच में उनकी मीटिंग आ गई थी, तो वो मीटिंग की वजह से ऑलरेडी लेट हुए, तो फिर ट्रैफिक में लेट हो गए, तो उसका स्कूल टाइम हो गया है। तो अभी हम चलते हैं बाहर और देखते हैं, मैंने ऑलरेडी उनको इन्फॉर्म तो कर दिया है कि वो उसको ड्रॉप ऑफ करते हुए चले जाए हमारे घर के पास, तो लेट्स गो एंड सी। आप ये आ गई, तो चलें जनाब खैर खैरियत से बेटी तो घर को आ गई है स्कूल से, और अब मैं करीम कड़ी में जो ना बघार डालने की तैयारी कर रही थी, ऑलमोस्ट वो भी डन हो चुकी है, चावल भी दम पे लगा दिए हैं मैंने, ये देख सकते हैं आप इसका लुक। मैं बस अब ऊपर से जो है ना थोड़ा गरम मसाला और चाट मसाला जो है वो ऐड करूँगी और उसके बाद मैं बघार डाल दूँगी। बघार में मैंने डाला था खाली प्याज, ज़ीरा, मोटी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता, और कुछ लोग अजवाइन भी डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती अजवाइन तो, लेकिन आप लोग डाल सकते हैं क्योंकि बस हस्बैंड को भी इतनी अच्छी नहीं लगती, मुझे भी अच्छी नहीं लगती इतनी अजवाइन, तो कुछ लोग पकौड़ों में भी डालते हैं, तो आप लोग को अगर अच्छा लगता है टेस्ट उसका अजवाइन का तो डेफिनेटली आप लोग उसको डाल के ट्राई कर सकते हैं। तो जनाब देखिए यमी यमी सी मेरी हो गई है कड़ी रेडी। भी घर आ गए और वापसी पे वो अपने साथ लेकर आ रहे थे एक्चुअली ये सरप्राइज़, और ये था चिकन ब्रोस्ट फ्राइड चिकन, तो वो हलाल चिकन है तो थोड़ा दूर मिलती है, तो वो वहाँ से उन्होंने सोचा कि चलो ये ले चलते हैं। और ये कड़ी चावल रेडी, मैंने तो भाई चिकन साइड पर रख दी थी, मैंने कहा मुझे तो यही खाना है पहले गर्म गर्म, और ये मेरी प्लेट रेडी थी और मैंने इसको मज़े से इंजॉय किया और आप सबको बहुत याद किया। यहाँ मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि ये कितना सॉफ्ट है, ऐसे हाथ से टूट रहा है, क्योंकि सख्त नहीं था बिल्कुल भी, लेकिन जो है ना वो गर्म इतना था कि मैं जो है ना उसको नहीं उस वक्त ब्रेक कर पाई, और मैं जो है ऐसी चीज़ें हाथ से खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, तो मुझे कड़ी चावल वगैरह हो गए, बिरयानी हो गई, ये सब मैं चावल मोस्टली मैं हाथ से ही खाती हूँ, मुझे आज भी जो है ना इसका ही अच्छा लगता है हाथ से खाना, और रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके छुरी कांटा इस्तेमाल कर लेती हूँ लेकिन जब मैं घर पे होती हूँ तो डेफिनेटली आई प्रीफर माई हैंड्स टू ईट। तो सारे बर्तन धुल चुके हैं, अब मैं इनको टॉवल लूँगी और ड्राई करूँगी और उसके बाद इनको सबको इनकी जगहों पर रख दूँगी। यहाँ से लेते हैं डेली व्लॉग का एंड, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।